फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित भोपाल में हुई आरक्षण की प्रक्रिया, कई दावेदारों का गड़बड़ाया सियासी गणित। कराधान घोटाले की जांच सवालों में घिरी राज्य की विशेष टीम से परीक्षण का प्रस्ताव, जिला पंचायत सीईओ ने लोकल फंड ऑडिट एंड सेल्स टैक्स अधिकारियों से जांच कराने की मांग। मेडिकल कॉलेज में पीजी की नई सीटें प्रारंभ करने से पहले टटोली गई नब्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भेजी टीम। श्यामसा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा गठित टीम के सदस्य शहडोल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर विक्रम कबीरपंथी, डॉक्टर अभिषेक गौर, डॉक्टर अतुल पांडे ने रीवा पहुंचकर किया निरीक्षण। जन भागीदारी के अतिथि विद्वानों को अवकाश पर भेजना शुरू हुआ तो हुआ विरोध, प्राचार्य पर मनमानी का लगा आरोप। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित, इस अवसर पर केंद्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं से किया गया लाभान्वित। नालों की सफाई के लिए नगर निगम की टीम उतरी, अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे, नगर निगम आयुक्त ने जोन प्रभारियों को नियमित निरीक्षण करने का दिया निर्देश। मरीजों के लिए मेटनरी वार्ड, परिजनों को वेटिंग हॉल, गांधी स्मारक चिकित्सालय में 16 करोड़ के कार्यों का विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया लोकार्पण। नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए जड़ से खत्म करना होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा आईटीआई रीवा में कार्यशाला का किया गया आयोजन। पूर्व निर्वाचित 196 पंचायत प्रतिनिधि नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, बकाया जमा करने के बाद ही जारी होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। पुरानी रंजिश में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, आरोपी फरार, चोराटा थाने की भिटवा गांव में हुई वारदात, घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया गया संजय गांधी अस्पताल, राकेश विश्वकर्मा पिता रमेश विश्वकर्मा हुए घायल। मारपीट कर पत्नी को पिलाया कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती, द्वारिका नगर में हुई घटना, आरोपी गिरफ्तार। जेल से छूटते ही अपराधियों की तैयार की जाएगी कुंडली, रहेगी पैनी नजर, पुलिस अधीक्षक ने जारी किए निर्देश, डोजियर में भरी जाएगी जानकारी, अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का दिया निर्देश। गांव में पेयजल सप्लाई बंद, पानी को भटक रहे रहवासी, गढ़वा में एक माह में जला मोटर पंप नहीं सुधार पाया, अधिकारी बेखबर, बैकुंठपुर में छाया जल का संकट। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का नई गढ़ी में हुआ भव्य स्वागत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति पर जाहिर की खुशी। खंडवा में हुआ हृदय विदारक हादसा, रीवा के मिश्रा परिवार की कार पलटी, 3 लोगों की मौत, पति देवर के शव के पास 13 घंटे मृत बेटे को छाती पर लेकर लेटी रही मां, प्रशासन की संवेदनहीनता आई सामने। तेज रफ्तार हाईवा चालक ने मारी टक्कर, चुराटा थाना क्षेत्र के जेपी द्वारी रोड में हुई घटना, घायल भरत पांडे की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। समान थाना क्षेत्र से किशोरी का हुआ अपहरण, परिजनों ने की शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अज्ञात महिला का मिला शव, पानी में डूबने से हुई मौत, सिरमौर थाना क्षेत्र के बीहर नदी की घटना, पुलिस से नाक में जुटी। मछली मारने नदी में पहुंचा युवक, डूबने से हुई मौत, मनवा थाना क्षेत्र के हिनौती शिवपुरा तलैया में हुई घटना, मृतक मनीष विश्वकर्मा निवासी हिनौती की मौत। घर में घुसे वृद्धवासों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया, लौर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी बराती निवासी बालेंद्र शेखर तिवारी के घर हुई चोरी की वारदात। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना, लौर थाना क्षेत्र के देवतालाब में हुई घटना, पीड़िता की शिकायत पर बीके उर्फ वीरेंद्र कुमार साकेत के खिलाफ दर्ज हुआ अपहरण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला। घर के अंदर घुसे बदमाशों ने 48,000 रुपए नकदी, सोने चांदी के जेवर चुराए, सुहागी थाना क्षेत्र के ग्राम बहराइच निवासी यज्ञ नारायण सिंह पटेल के घर हुई चोरी की वारदात। सट्टा पर्ची काटते हुए सटोरिया अभय शर्मा गिरफ्तार, आरोपी से सट्टा पर्ची नकदी बरामद, मनमोहक पुलिस ने रावड़ा तिराहे में की कार्रवाई। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।